सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हुंडई ऑरा के बारे में। ये एस वाला वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है। इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, क्या गाड़ी की प्राइसिंग होने वाली, क्या गाड़ी में आपको फीचर्स मिलते हैं, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट लुक देखेंगे तो आपको फ्रंट में आपको ट्रेडिशनल जो है हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप का ऑप्शन आपको इस गाड़ी अंदर नहीं मिलता है। अब फॉग लैंप का जो है धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है ऑप्शंस। यहाँ पे आपको जो है ऑल ब्लैक जो है पियानो लुक्स मिलती है। यहाँ पे हिंडई का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे सेंटर में भी आपको जो है ऐसी सी पियानो ग्रिल मिल जाती है इस गाड़ी में, ठीक है। और ऐसा पूरा जो है पीछे से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये लुक आने वाला है गाड़ी का। तो ये दूर से गाड़ी तो ऐसी लगती है गाड़ी देखने में। अब फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते हैं, उसकी जगह बेसिकली ये है डीआरएल्स ही मिलते हैं, ठीक है गैस। और जो इसका टॉप एंड वेरियंट है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेंटर में जो है नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे हुंडई का लोगो मिलेगा। अभी हम साइड में मूव आउट करते हैं एक बार, और साइड में अगर आप देखें तो जो ORVM है उसके ऊपर भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। और इस टाइप के आपको जो है अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स इनके काफ़ी यूनिक होते हैं, काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। और प्रोफाइल आई थिंक इसकी R15 रहने वाली है। तो यहाँ R15 इसके अलॉय व्हील्स हैं, प्रोफाइल है 175/60 R15। तो अक्रॉस द वेरियंट्स जो है मेरे को लगभग सब में सेम ही जो टायर है देखने के लिए मिला है। और जो इसका डोर हैंडल है वो भी आपको पूरा क्रोम में मिलता है, ठीक है गाइस। डोर हैंडल पूरा आपको क्रोम में मिल जाएगा, आगे और पीछे वाला, ठीक है। तो और अभी देखते हैं इस गाड़ी की जो लुक्स है वो देखो ऐसी सी देखने में लगेगी अंदर से। इंटीरियर्स की बात करेंगे, पहले हम एक्सटीरियर्स की पूरा कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है रियर में जो है आपको इस टाइप का पियानो लुक मिल जाएगा पूरा। बॉडी कलर आपको जो है शार्पन एंटीना मिल जाएगा। रियर में आपको ऐसी सी इसकी लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे ऑरा की ब्रांडिंग मिलती है। दो पीछे आपको जो है पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इस टाइप का आपको पूरा स्पॉइलर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। एक बार बूट रिलीज भी करके दिखा देता हूँ कि कितना आपको जगह मिलती है बूट में। तो आप आगे से इसका जो है बूट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इतनी कुछ आपको इस गाड़ी की बूट में जगह मिल जाएगी। उसी के नीचे आपको जो है स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, ठीक है। इसको करते हैं डाउन और यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं पियानो और जो है सिल्वर कलर में। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट करते हैं, क्या कुछ आपको इंटीरियर में मिल रहा है। तो इस टाइप को डुअल शोड आपको जो है डोर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो है ग्रेइश कलर का जो है डोर हैंडल मिलेगा इंटीरियर। ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाएंगी। उसके बाद ORVM को भी आप यहीं से एडजस्ट कर पाएंगे, लॉक अनलॉक आप यहीं से कर पाएंगे। इस टाइप का आपको डोर हैंडल मिल जाएगा। जस इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ऐसे से आपको जो है इल्यूमिनेटेड पूरा यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे सेंटर में हुंडई का लोगो, यहाँ पे आप जो है अपने म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा पूरा जो स्टीयरिंग मिलता है राउंड स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है। और 5 गियर ऑप्शन में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है, मैनुअल मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये आप देखिएगा कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको मैनुअल वगैरह मिल जाएगा। बट एक चीज़ इसमें एडिशनल है कि आपको जो है पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिलता है, हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा। और सेम वही जो आपको मैंने ग्रैंड एटन नियोस में दिखाई थी वैसी सी डिस्प्ले मिलेगी यहाँ पे। और ये चीज़ भी सेम है जो आपने ग्रैंड एटन नियोस में देखी थी। यहाँ पे आपको जो है पियानो ट्रीटमेंट मिल जाता है। डुअल शेड में आपको जो है इसका डैशबोर्ड मिलने वाला है, ब्लैक एंड वुडन कलर का देखने में लगता है, थोड़ा सा ब्राउनिश लगता है। और ऐसा सा आपको इसके अंदर जो है ग्लव बॉक्स मिलेगा विद कूलिंग फीचर। और यहाँ पे अपना फोन वगैरह रख पाएंगे। यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट में जो है पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। इसमें आपको सी टाइप चार्जर मिल रहा है, प्लस आपको एक जो है USB टाइप ए वाला चार्जर मिल रहा है। 12 वोल्ट का भी आपको यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे आप एयर फ्लो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से AC ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल IRV मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे भी आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसका माइक्रोफोन मिल जाता है। तो ये पूरा जो है लुक आता है गाड़ी का देखने में। सेंटर में अगर देखिए कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे अपना कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। ये सारा चीज़ सेम है, इसमें समय वेस्ट नहीं करूँगा। और आपने मेरी ग्रैंड एटन नियोस वाली वीडियो देखी तो आप वहाँ पे जाके देख वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको उस गाड़ी का भी आइडिया मिल जाएगा। और आप ये चीज़ भी देख सकते हैं वहाँ पे कि कैसी सी है, सिंपल सी है, काफ़ी बेसिक सी। मतलब इनके स्टार्टिंग से जो है हुंडई वालों के ना बड़े बढ़िया लगते हैं, जो स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छे से लगते हैं। अभी क्या है इसके ऊपर पन्नी लगी तो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, अदरवाइज जब पन्नी उतरेगी ना तो एक नंबर लुक आएगी, ठीक है गाइस। यहाँ से आप इसको जो है सेट भी कर सकते हैं, इसकी जो चीज़ें हैं जैसे कि देखो यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएंगे। आप इसको अप डाउन करेंगे तो अंदर वहाँ पे आपको अलग अलग ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, कितना माइलेज गाड़ी दे रही है, कितना फ्यूल गाड़ी में बचा हुआ है, कितनी गाड़ी की स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों चाहिए तो आप यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही है, गाड़ी कितनी चली है। उसके बाद ऐसा सा आपको जो है इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ
FM, USB, Android Auto, Apple CarPlay सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी तार के थ्रू ही, ठीक है गाइज। और ये आपको गियर लेवल मिल रहा है इसके अंदर। तो और रियर का आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे। रियर की स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग वाइज कोई फ़र्क नहीं है, सेम उतना ही स्पेसिंग आपको मिलेगा जितना आपको इससे पीछे वाले वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच सेंटर में आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और अंडर थाई सपोर्ट भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। रियर का डोर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा सा आपको रियर का डोर मिलता है। ये भी आपको डुअल शेड मिलेगा, डार्क और लाइट शेड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये आपको जो सिल्वर क्रोम सा मिल जाता है देखने में। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं इस गाड़ी में, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है टॉप एंड वेरिएंट में और पिछले वेरिएंट में। अगर आपने मेरी मोस्ट अफोर्डेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, अगर आपने जो है इससे पहले नीचे वाला वेरिएंट है उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। जो एस वेरिएंट है उसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या है पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी ऐसी है जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है वो। तो अगर हम इस गाड़ी की लुक्स देखें तो ये पूरी गाड़ी में लुक रहने वाली है, ठीक है। पीछे आपको ऑरा लिखा मिलेगा, हुंडई लिखा मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी पीछे, तो ये पूरा रहने वाला है पीछे का लुक। और मैं एक बार डिफरेंस भी दिखा देता हूँ जो पुराने वाला है और इसमें क्या डिफरेंस है। ये नए वाला वेरिएंट है और ये आपको जो है ये पुराने वाला है। आपको इसमें पुराने वाले में फॉग लैंप्स वगैरह भी मिलते थे, लेकिन इसमें आपको जो है फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये चेंजेस आप खुद जज कर सकते हैं कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप मैंने सारा कुछ बता दिया होगा इस वीडियो में, तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।